तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन एंड यू वाचिंग जेकी टेक यूट्यूब चैनल। आज से कुछ दिन पहले मैंने टेलीफोन का अनबॉक्सिंग किया था और आपको दिखाया था कि उस टेलीफोन प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव निकल गया था। तो उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आप लोग जाकर चेकआउट करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो प्रोडक्ट का लिंक और उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उस वीडियो में आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारे चीज़ बताया हूँ, ठीक है। और फिलहाल उसको मैंने रिटर्न कर दिया और रिटर्न करने के बाद ये वाला अपने ले लिया मैंने BTL का, ठीक है। और फिलहाल इसका आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको इसका क्वालिटी कैसा रहता है। और ये डिफेक्टिव तो नहीं है, वो मेरा प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया था, आप सोच सकते हो। तो काफ़ी बुरी बात है भाई, मतलब पैकेजिंग तो सही से किया था अमेजन ने बट प्लास्टिक में किया था। और ये वाला पैकेजिंग देखो भाई, इसमें कुछ पैकेजिंग नहीं हुआ है, अमेजन की तरफ से ऐसे ही मुझे डिलीवर हुआ है, देख सकते हो ऐसा ही कुछ नॉर्मली। आप सोच सकते हो कितना बेकार पैकेजिंग, तो हुआ ही नहीं, पैकेजिंग तो छोड़ ही दो, ऐसा ही डिफेक्टिव, मतलब ऐसे ही मेरे को प्रोडक्ट मिला। बेसिकली डिफेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि मैंने ओपन ही नहीं किया इसको। चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं और मेरा रेडी टू यूज़ है। डायरेक्टली इसको लगाऊंगा, डायरेक्टली यूज़ करने लगूंगा, ठीक है। तो गाइस ये रहा अपना प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से है, सामने की तरफ लिखा है BTL, यहाँ पर एक लगा हुआ है अजीब सा, यहाँ पर लिखा है वोल्टी 4G फिक्स वायरलेस फोन विद वाईफाई हॉस्ट पोर्ट, समझ सकते हो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर नंबर वन सेलिंग ब्रांड लिखा है, फिक्स लाइन लिखा है, यहाँ पर गोल्डन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो चाहो तो। 1 ईयर का आपको उसमें रिपेयर वारंटी मिल जाता है, ROHS सर्टिफाइड है यहाँ पर। और बाकी सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख चुका है। यहाँ पर भाई इसमें एक डिस्प्ले भी है, उसमें भी डिस्प्ले था, इसका पहले मैंने अनबॉक्सिंग किया था उसमें डिस्प्ले था बट वो डिस्प्ले जलता नहीं था, मतलब ऐसे ही शो करता था जैसे कैलकुलेटर वगैरह में नहीं आता है, जलता नहीं है, वो वाला ही डिस्प्ले था उसमें, ठीक है। और सामने की तरफ से ऐसा कुछ लिखा है भाई, यहाँ पर प्राइस की बात करो 1399 रुपीस प्राइस लिखा हुआ है। तो गाइस फिलहाल मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है और भाई अनबॉक्सिंग का जब अनबॉक्स कर रहा था ना तो भाई अनबॉक्स कर दिया, बाद में पता पड़ा कि यार वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ हो चुका है। और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा अनबॉक्सिंग हो चुका है। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर क्वालिटी जो है काफ़ी सही से दिख रहा है, थोड़ा सा पास में आप ला करके दिखाइए यहाँ पर, तो कुछ ऐसा भाई दिखता है। यहाँ पर BTL का ब्रांडिंग है और यहाँ पर एक पेपर सा चिपकाया गया है, यहाँ पर M1, M2, M3, M5 तक है, यहाँ पर नंबरिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो M10 तक है, पता नहीं क्या इसका यूज़ है, बस यूजर मैनुअल जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर आउट है, अप है, डाउन है, डिलीट है, यहाँ पर बैक है, होल्ड है, यहाँ पर स्पीकर वाला है, रीडायल है, आपको स्प्लैश फ्लैश मिल जाता है, फ्लैश से आपका बेसिकली जो भी नंबर सेव रहता है वो डिलीट हो जाता है। यहाँ पर वॉल्यूम अलग दिया गया है और इसका जो क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी उससे सही है, जो पहले मंगाया था ना उससे काफ़ी मतलब तगड़ा क्वालिटी, बट इसका प्राइस भी ज़्यादा है, मैं आपको हो सकता है प्राइस अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप वीडियो में बने रहिए। पीछे से कुछ इस तरह से भाई लिखा है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर आपको इंडिया लिखा हुआ था, यहाँ पर अजीब सही सा लिखा है, यहाँ पर एक वेबसाइट दिया गया है और यहाँ पर जो मॉडल है M59 ये मॉडल है, यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का मंगाया है और यहाँ पर QC Past लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भाई है, यहाँ पर कुछ आई डोंट नो क्या चीज़ है, बट यहाँ पर ऐसा अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ पर ये क्या है भाई, ये खुल, ओ भाई इसके अंदर बैटरी लगता है, ओ शिट मैन, अच्छा इसको मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा कि नहीं, ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ही अजीब है, इसका पहले बार तो ऐसा कुछ नहीं था, पहली बार मैं देख रहा हूँ यार, बैटरी भी लगता है ये टेलीफोन में। चलो मैं आपकी अभी क्या लिख रहा है यहाँ पे, कुछ लिखा भी है पढ़ लेते हैं, दिस टेलीफोन विल वर्क विदाउट इंस्टॉलिंग बैटरी 2-4 बैकलिट, इंस्टॉल 3 AA साइज बैटरी, प्लीज अनप्लग टेलीफोन लाइन कोड बिफोर इंस्टॉलिंग बैटरीज, कॉलर ID, ओ हो 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 हो, ऐसा है भाई, मतलब हो सकता है इसमें बैटरी जब लगाएंगे तभी इसका स्क्रीन जो है जलेगा मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ हो रहा है, और जो है कॉलर ID वगैरह काम करेगा जब इसमें बैटरी इंसर्ट करेंगे तो। अभी मैं बैटरी इंसर्ट नहीं किया हूँ, चलो मैं टेलीफोन में लगा के देखता हूँ कि भाई चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके पहले वाला था ना जो अपना उसमें बैटरी नहीं लगाया था और नॉर्मली चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था बिना किसी दिक्कत का, नॉर्मली एकदम मस्त करके काम कर रहा था, ठीक है। चलिए इसको मैं ट्राई करता हूँ, और ये जो है ना ये वाला इस वाले को हमको निकालना पड़ता है, पहले इस वाले को ऐसा कुछ आपको निकाल देना, निकालने के बाद ये शायद ऐसा नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ है, ओ शायद इसको उल्टा लगाना पड़ेगा क्या, हाँ उल्टा इसको मैं लगा दिया, ठीक है आप सही है। अब ये जो लॉक है ना इसके अंदर फंस जाएगा ऐसा कुछ, देखो अभी फंस गया तो अभी निकलेगा नहीं, ये खींचने पर नहीं निकलेगा, इसमें फंस गया, वैसे उठा कर उठाएंगे, ठीक है। चलो इसको बिना इसमें बैटरी लगाए मैं चलाता हूँ, इसमें मेरा कीबोर्ड में फंस गया इसका तार, तो यहाँ पर चलो इसको अंदर लगाते हैं अपना राउटर में, उसके बाद देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। और ये रहा अपना वायर, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, इसमें लगा दिया मैंने गाइस, और यहाँ पर ये जो लाइट है आप कॉन्फ़िगरेशन करा लोगे अपने राउटर में तो ये लाइट आपका जलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जल रहा है मेरा X FXS ऐसा कुछ नाम है,
और भाई ये कॉन्फ़िगरेशन करा लेने के बाद ना भाई आप फोन लगाओ, टेलीफोन लगाओ या मत लगाओ, अपने ब्रॉडबैंड पे कॉल करोगे तो आपका कॉल लग जाता है सीधा है। क्योंकि मैं भाई मेरे पास ये राउटर मतलब लगा है और मैंने कॉन्फ़िगरेशन करा लिया है और मेरे पास ये मतलब टेलीफोन नहीं था तो मैं कॉल कर रहा था भाई, टेलीफोन पे कॉल ही लग रहा था और यहाँ पे जो बत्ती है ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और गाइस अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मेरा लाइट ऑटोमेटिकली जल चुका है, मतलब जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइट अभी नहीं जल रहा है। लाइट कैसे जलेगा मुझे खुद नहीं पता है। M1 अपने आप कॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रहा है, मैं ओके दिस नंबर इज नॉट एक्सेस बोल रहा है। मैं ठीक है नंबर लगाता हूँ अपना, ठीक है। मैंने गाइस यहाँ पर कॉल लगा दिया है अपने दूसरे वाले मोबाइल पे और ये रहा अपना मोबाइल, देखते हैं कि कॉल आता है कि नहीं इससे। और देखो गाइस कॉल आ चुका है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो होम टेलीफोन, यहाँ पर नंबर मैं हाइड कर ले रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला टेलीफोन इसके पहले मंगाया था, तो आप लोग वीडियो जा करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉल रिसीव किया और गाइस हेलो आवाज़ तो आ रहा है बट आवाज़ लाउड कैसे। हेलो आवाज़ इसका बहुत ही स्लो है मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो आवाज गाइस स्लो आ रहा है। हेलो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया भाई, इसका आवाज़ कम है यार, उसके मुकाबले इसका आवाज़ कम है मुझे ऐसा लग रहा है। और भाई ठीक है, बाकी और भी कुछ इसके बारे में जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करो, यहाँ पर बहुत सारे बटन दिया है, अगर आप कमेंट करोगे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा सारे बटन जो है कौन सा बटन किस काम पे आता है, ठीक है। तो चलो अभी क्या करते हैं, इसमें बैटरी मैंने लगाया है, बैटरी लगाने के बाद भी क्या होगा वो भी मतलब मिस्ट्री ही है, तो अगर बोलोगे तो इसके ऊपर मैंने बैटरी लगा करके देखूंगा क्या होता है। और तो गाइस बस वीडियो में इतना ही था, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया आया सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। यहाँ पर मैंने इसका जो स्क्रीन पे लगा था गार्ड मैं इसको निकाल दिया है और यहाँ पर जो मंथ है, ईयर है, डेट है, सारे चीज़ें बताता है, टाइम वगैरह भी बताता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो लाइक वगैरह कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना, बाय।